सोचिए आप रात के समय कार में अकेले हो और वो कार पूरे जंगल में अकेली हो और तभी अचानक आपके सामने सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने औरत आ जाए। अगर ऐसा कभी आपके साथ हो गया तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आगे जो होने वाला है वो तो वो भूतनी करेगी जो आपकी गाड़ी के सामने खड़ी है। तुम बोलोगे क्या यार गौरव भाई, वीडियो शुरू होते ही डराने लग गए, फालतू की बातें करने लग गए। तो अगर आपको भी लगता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह सब फालतू की बातें हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम ना सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना कैमरे में रिकॉर्ड भूत। आज हम देखेंगे डैश कैम फुटेजेस, ऐसे कैमरों की फुटेज जो कि कार के सामने लगे होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, इन डैश कैम्स में भी ऐसी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें देखने के बाद आप रात में और अकेले में किसी हाईवे पर गाड़ी चलाने जा नहीं पाओगे। तो अगर आप ओला कैब चलाते हो ना तो भैया इस वीडियो को मत देखना, या आप ट्रैवलिंग करने के शौकीन हो तो भी इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कार की चाबी को निकाल कर उसको नदी में फेंक दो। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, बहुत हाइप क्रिएट कर ली हमने एनिमल की तरह। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये वीडियो है एम्स्टरडैम की। यहाँ पर एक बंदा रात के समय अपने घर लौट रहा था। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था, इसलिए वो जिस रास्ते से अपने घर जाता था वो काफी घने जंगल से होकर गुजरता था। जब वो जा रहा था तो उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और देखने लगा कि आखिर आसपास कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो उसके लिए इतनी कोई डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो इसी जंगल में काम करता था, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वो बंदा आगे चला गया, अपने घर आ गया। लेकिन बाद में जब उसने फुर्सत से बैठकर उस वीडियो को देखा जो उसने रात के समय कार के अंदर से बनाया था, तो उसको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखने के बाद उसकी फटके चार हो गई। देख रहे हो यहाँ पर दो हवा में पैर उड़ते हुए उस कार के पास आ रहे हैं। मतलब लिटरली मैंने आज तक इतने सारे भूत के वीडियोस देखे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज मैंने खुद पहली बार देखी है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कोई आत्मा है या क्या है, लेकिन वो दो पैर ऐसे हवा में उड़ते हुए कार के ऊपर से निकल रहे हैं। वो तो शुक्र है कि ये पैर उसको बाद में घर में जाकर दिखाई दिए। अगर वहीं जंगल में वो इस चीज पर ध्यान दे लेता तो शायद ये बंदा हार्ट अटैक से ऊपर चला जाता और फिर वहां जो दो पैर है ना उनकी जगह चार पैर हो जाते। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आगे अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं। उसमें जो घटना हुई है वो आपने कभी इमेजिन ही नहीं की होगी। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ये टोल नाके पर लगे हुए कैमरे ने कैप्चर किया था, और ये एक नॉर्मल सी बात है, टोल नाकों पर कैमरेज लगे रहते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पर एक कार टोल नाके पर आकर रुकती है और जो टोल नाके पर काम करने वाला बंदा था वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कार के अंदर से उसे पैसे देने के लिए कोई हाथ नहीं निकलता और ना ही उस गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ था। तो जब वो बंदा कार के पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कार के अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है। अब देखो आज के जमाने में ये चीज इतनी स्कैरी नहीं है क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स आ गई है, लेकिन ये वीडियो काफी पुराना है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कार है ना ये कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी कार है। इसके तो ब्रेक भी ठीक से नहीं लगते होंगे। और भाई तभी अचानक कार की छत पे से एक औरत आ जाती है, एक चुड़ैल निकलती है, और भाई उस टोल वाले बंदे की हालत खराब, लिटरली। मतलब जब तक वो औरत सामने नहीं आई थी ये वीडियो काफी स्कैरी था, लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई ये एक प्रैंक वीडियो है, और इस प्रैंक ने उस टोल वाले बंदे को सिखा दिया होगा कि भैया अगर कभी कार में ड्राइवर ना देखे तो अपने केबिन में से बाहर नहीं आने का। लेकिन ये तो नकली चुड़ैल थी, क्या हो अगर किसी इंसान के सामने अचानक से असली चुड़ैल आ जाए, वो भी रात के समय जंगल में। अगर यकीन नहीं होता तो जरा ये अगला वीडियो देखो। और अगले वीडियो से पहले जो लोग कमेंट लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं, गौरव भाई तुम्हारी आवाज बदली बदली लग रही है क्योंकि लगता है तुमको जुकाम हो गया है, तो यू आर राइट माई ब्रो, मुझे हो गया है जुकाम। तो मैं जल्दी से इस वीडियो का शूट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म चाय पीकर बिस्तर में सो जाऊंगा। तो यार मेरी बातों पर इतना ध्यान देने के लिए थैंक यू। आई नो कि तुम लोग मेरा वीडियो इतने ध्यान से देखते हो जितने ध्यान से पढ़ाई तक नहीं करते। यार ऐसा मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। ये वीडियो है 2014 का, एक बंदा रात के समय अपने घर ऑफिस से लौट रहा था, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, उसका रास्ता बिल्कुल सुनसान नहीं था, आसपास पेट्रोल पंप थे, थोड़े बहुत मकान थे, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी एक सुनसान जंगल वाले रास्ते में एंटर करती है उसे सामने दिखाई देती है एक खूबसूरत सी सफेद कपड़ों में खड़ी हुई लड़की। वाकई में लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं होता तो भाई गाड़ी में रिवर्स गियर डालकर सीधे वहीं चला जाता जहां से मैं आया था। मतलब मैं गाड़ी को टर्न भी नहीं करता, मेरी गाड़ी रिवर्स में ही चली जाती। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने गाड़ी रोक ली और ये देखने लग गया उस लड़की को, उस चुड़ैल को या फिर जो भी है ये, और उसके बाद ये लड़की अचानक से ऐसे गिर गई। एनीवे उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये बंदा आगे निकल गया, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि शायद एकदम से वो लड़की गाड़ी के सामने से आ जाएगी, बहुत क्लोज। बट थैंक गॉड उन्होंने ऐसा कोई जंप स्केयर नहीं दिया,
अच्छी भूतनी थी, दिखने में भी अच्छी थी, दिल की भी अच्छी थी, ज्यादा नहीं डराया। लेकिन भाई साहब, ज्यादा डराना या कम डराना कुछ नहीं होता, जब एक बार इंसान की फटती है तो सिलना मुश्किल हो जाता है। एनीवे, जितने भी सिंगल लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर तुमको ऐसी हसीना जंगल में दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे। तो भाई, ये जो अगला वीडियो है, इस पर आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी ये फर्जी ही लगा था। यहाँ पर एक नॉर्मल सा डैश कैम चल रहा है, कारें जा रही हैं, शाम का समय है, सब कुछ एकदम ओके। लेकिन तभी अचानक सड़क में दरार पड़ती है और भाई उसके अंदर से निकलता है एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा कोई जीव। अब यहाँ तक तो मुझे वीडियो फेक लग रहा था, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाना बहुत आसान है। मैं 10-20 साल पहले बना लेता था ऐसे वीडियोस। लेकिन उसके बाद जब ये गाड़ी जो पीछे से जा रही है ये भी हिली, तब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये सड़क पर जो दरार दिख रही है ना, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है। क्योंकि भाई स्पेशल इफेक्ट से ऐसी गाड़ी को रियलिस्टिक तरीके से हिला देना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ भाई, ये बॉलीवुड वाले कर सकते हैं, हॉलीवुड वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डैश कैम वीडियोस में फर्जीवाड़ा करने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो मतलब अगर वाकई में दरार पड़ी थी, कार हिली थी, तो इसका मतलब क्या हमारी दुनिया में ड्रैगन जैसे जीव होते हैं? मतलब हिट वालों को ऐसा कोई हिट निकालना चाहिए, मच्छर मक्खी कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए निकाल दिया, एक ड्रैगन स्पेशल हिट भी बनाना चाहिए। कल को घर में आ गया कोई ड्रैगन तो भाई बंदा क्या करेगा। एनीवे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हिट। लेकिन अगर तुम्हें पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो तुम करा सकते हो इसको सुपर हिट। इस पर लाइक करो, इसको अपने दोस्तों को दिखाओ, स्कूल के अपने फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर शेयर करो, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार। और पता नहीं, जब भी मैं सब्सक्राइब करने की बात करता हूँ, एकदम से मेरे अंदर का सैफ अली खान क्यों जाग जाता है। भैया, ये है जापान का वीडियो। अभी रिसेंटली मैंने जापान पर एक और वीडियो शूट किया था, जहाँ पर एक बंदे के साथ बहुत खतरनाक ट्रेजेडी हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, क्योंकि भाई ये बंदा जो कार चला रहा है ना, ये एकदम स्मार्ट है भाई की तरह। यहाँ पर ये बंदा जा रहा है, इसके डैश कैम में जो कैमरा लगा हुआ है भाई, वो एकदम HD है। घर जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तभी अचानक से इसको सड़क पे एक बैठी हुई लड़की दिखाई देती है। अब ये लड़की है, औरत है या चुड़ैल है, इसका फैसला तो आप ही करो। लेकिन इस बंदे को अब क्या करना चाहिए? इसने वही किया जो मैं करता भाई, इसने अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर डाला और उसके बाद ये निकल लिया रिवर्स में। इसीलिए भैया, जब भी ऐसी सिचुएशन होना, कभी हीरो बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई मुसीबत में है, तुम्हें किसी की हेल्प करनी है, तो अकेले बाहर मत जाना अपनी गाड़ी से, पुलिस को कॉल करना या फिर किसी हेल्प को बुलाना। लेकिन अगर आपने हीरो बनने की कोशिश की, तो हो सकता है आप मेरा अगला वीडियो देखने के लिए बचो ही ना। एनीवे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए लंबी उम्र की कामना करता रहता हूं। क्योंकि भैया, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपको यकीन ना हो, तो ये अगला वीडियो इसी बात का प्रूफ है। तो ये वीडियो है ताइवान का। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, सामने एक कार जा रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई भूतूत वाला टंटा नहीं, क्योंकि दिन का टाइम है। तभी अचानक पहाड़ में से जमीन खिसक जाती है और उस कार पे पूरा का पूरा पहाड़ आकर गिरने लग जाता है। और ये सब कुछ पीछे आ रही कार ने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि भैया ये कार वाला अपनी कार को स्लो चला रहा था, इसने ब्रेक मार लिए थे। लेकिन भैया आगे देखो, इतना बड़ा पत्थर गिरा उस कार के पास, लेकिन उस कार को उसने टच भी नहीं किया। ये जो सामने वाली कार है ना, इसमें जो लोग भी बैठे हुए थे, ये लोग बाल बाल बच गए, मतलब अभी इन लोगों की आई नहीं थी। इसलिए तो कहते हैं भैया, जब तक कि ऊपर वाला ना चाहे, कभी कोई पत्ता तक इस दुनिया में नहीं हिल सकता। अगर ये पत्थर इस कार पर गिर जाता, तो भाई साहब इस कार का हलवा बन जाता। एनीवे, ये तो थी इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग, और इसी के साथ करते हैं हम अपने इस पूरे वीडियो की भी हैप्पी एंडिंग। लेकिन जाने से पहले देखते हैं हम एक आज की बोनस क्लिप। तो भैया, यहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे पार्टी शार्टी करने के लिए, तभी अचानक से उनके सामने आ गया एक जोकर। और लिटरली मुझे रात के समय जोकर से बहुत डर लगता है भाई साहब। ये जोकर बहुत उससे मतलब उसने कार के ऊपर हमला करने के लिए कार के आसपास ऐसे दौड़ना भागना चालू कर दिया। अब ये कोई बंदा प्रैंक कर रहा था या फिर ये कोई क्रिमिनल था, जो भी था, इस कार में जो लोग बैठे थे वो समझदार थे, जो कार से नहीं निकले, क्योंकि हो सकता है ये लोग भी गौरव कटारे के वीडियोस देखते हों। लेकिन भाई साहब, ये जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद इन लोगों को जो कार में बैठे थे, इनको 10-12 दिन तक नींद नहीं आएगी। यार, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी से नींद आ जाए। और अगर इस वीडियो पर हो गए 1,00,000 लाइक्स, तो भैया मुझे भी चैन की नींद आ जाएगी। तो इस वीडियो का लाइक एम है 1,00,000, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर दो, फटाफट से लाइक ठोको। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।